ये तुष्टिकरण की राजनीति का परिचायक है और आज उसी का एक दूसरा मिसाल देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग इससे विदित हैं और सरकार के गठन और सरकार के चलने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो केवल तुष्टिकरण पर ही निहित है। इनका कोई लॉन्ग टर्म 5 ईयर पब्लिक के कमिटमेंट पर काम करने का इनका कोई मंशा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पिछली सरकार की नियोजन नीति को कैबिनेट ने वापस ले लिया, उसे कैसे देख रहे हैं? अपनी नियोजन नीति सरकार ने कहा था कि 3 महीने के अंदर में हम नियोजन नीति लेके आएंगे, तो किसी को खारिज करना, किसी को समाप्त करना या वापस लेने से पहले अपनी नियोजन नीति स्पष्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को। मधुपुर को लेकर क्या कुछ डिस्कशन हो रही है अभी जो बैठक चल रही है उसमें? अभी पार्टी के अंदर में आने वाले समय में चूंकि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है, सहयोगी सभी संगठन को तैयार करना है, अभी हमारे प्रवक्ता आपको इस विषय में सारी चीज़ें बताएंगे। मधुपुर भी चुनाव का विषय हमारा पार्टी केंद्र में होगा, हम लोग जैसे निर्णय कुछ होता है तो हम लोग करेंगे आपसे। बंगाल सम्मेलन भी वहाँ किया था तो क्या पार्टी एक्टिव रहेगी? पार्टी का वहाँ एक बड़ा जनमत है, पार्टी का एक बड़ा समर्थन है, तो पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में वहाँ पर एक्टिव रह के ही पार्टी कोई अच्छा परिणाम दे सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर भी रास्ता साफ हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग के पद को लेकर भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, तो अब लग रहा है कि अब समय पर चुनाव करा देना चाहिए सरकार को पंचायत चुनाव? ये तो वो बताएंगे ना, पहला तो जब पंचायत चुनाव या आम चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव जो भी होते हैं ये एक शेड्यूल टाइम तय होता है। सरकार थोड़ी पहले 6 महीने पहले से अगर इस विषय में एक्टिव रहती तो आज चुनाव हो गया होता, चुनाव में प्रतिनिधि रहते हैं, कम से कम उनको ये 26 जनवरी के दिन कम से कम अपना झंडा फहराने के अधिकार से तो वंचित नहीं किया जा सकता। बंगाल चुनाव को लेकर कुछ? बंगाल चुनाव पर पार्टी का संगठन का काम चल रहा है, पार्टी जिस एजेंडा को लेकर वहाँ जाना चाहती है, जनमत तैयार करना चाहती है। हम लोग अभी चारों जिला का पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा और झारग्राम में हमारा एक कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम है कि हम जिन विषयों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन विषयों को लेकर हम लोग इस चुनाव में जनमत तैयार करना चाहते हैं या विषय जो देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को भी, वहाँ के टोटल पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक सब्जेक्ट जो वहाँ का मूल विषय है, लंबे समय से वहाँ के लोगों ने इस झारखंड जो 26 जिलों का प्रस्तावित झारखंड के अंदर में जो लोग संघर्ष किया है वो मूलतः वहाँ के जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग वहाँ की पहचान की लड़ाई लड़ रहे थे, लंबे समय तक अलग अलग लड़ाई वहाँ लड़ी गई है, अलग अलग वीर सपूत उधर से अपनी आहुतियाँ दी हैं और लड़ाई को आगे पहुँचाने में चाहे अंग्रेज के समय से लेकर इधर झारखंड आंदोलन तक की उनकी भूमिका बेमिसाल रही है, उनको उन विचारों को फिर से पुनर्संगठित करना, उन विचार को उभारना ये संगठन का मूल दायित्व होगा। सुरेश जी, अभी लगातार भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है सामने झारखंड में, अब कल साहेबगंज में पत्थर मतलब बिना अनुमति का बिहार लेकर जा रहा था, उसमें क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि लंबे समय से जैसे SMDC या फिर जो खान विभाग जिसे राज्य को राजस्व आता है, राजस्व का लिया जाता है, संग्रह किया जाता है, हमारे हर नेतृत्वकर्ता राज्य को नेतृत्व देने वाले कोष की बात करते रहें, लेकिन जो कोष आने का जो तरीका है, कोष संग्रह जहां से किया जाता है, जो एजेंसियां कोष तैयार करती है, एजेंसियों को छोड़ दिया गया है, बेकाबू है। आज के दिन में कोयला, पत्थर, बालू, इन तीनों ही चीज़ों पर आप देखेंगे राज्य के अंदर में एक बड़ा दोहन हो रहा है और शासन के संरक्षण पर हो रहा है।